हेलो हाय सुबह। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। दी ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा डिमांड हो गया एंड ये सप्लाई हो गया। तो देन हम करेंगे क्या, हमको कि हम पहले रो लिख दिए इधर, ठीक है, क्योंकि हमको रो रो फाइंड करना है कि मिनिमम कितना है इस रो में, इस रो में एंड इस रो में। तो इसलिए हम इधर रो लिखें एंड सिमिलरली हमको कॉलम में भी दी स्मॉलेस्ट एंड दी सेकेंड स्मॉलेस्ट में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे कॉलम में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रो कॉलम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, वन। देन उसके बाद दूसरा सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है, वन नहीं लेंगे क्योंकि वन हम ले चुके हैं, इसलिए हम लेंगे टू। तो वन और टू के बीच का डिफरेंस क्या है, वन है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, वन, एंड देन अदर स्मॉलेस्ट टू, सेकेंड स्मॉलेस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस वन, तो वन लिख दिए। यहाँ पे भी सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया आपको, टू, एंड देन टू के बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है, फोर, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, टू, तो हम टू लिख दिए, ठीक है। सिमिलरली देखिए ये दोनों को मिक्स ना हो इसलिए हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन घींच देते हैं, ठीक है, कि मिक्स ना हो ये। हाँ, सप्लाई डिमांड आपको क्लियर रहेगा, ये मिक्स ना हो। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखिए कॉलम में आते हैं, तो कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास वन है, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट थ्री है, तो वन थ्री में डिफरेंस टू है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, टू, हाँ, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट हम टू नहीं लेंगे क्योंकि हम ले चुके हैं, तो हम क्या लेंगे फिर, थ्री। तो टू और थ्री के बीच का डिफरेंस क्या हो गया मेरा, वन। सिमिलरली यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वन, सेकेंड स्मॉलेस्ट टू, दोनों के बीच का डिफरेंस वन। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वन, सेकेंड स्मॉलेस्ट फोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस फोर माइनस वन, वन और फोर के बीच का डिफरेंस क्या है, थ्री, ठीक है। ये हम ले लिए, मैं पहला स्टेप है, ठीक है। तो अब देखिए इन डिफरेंस में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है, तो आप देख सकती हैं कि सबसे मैक्सिमम डिफरेंस आपका ये है, थ्री है, ओके। तो हम इसको सर्कल कर लिए, ठीक है, सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है, हम इसको सर्कल कर लिए एंड इसको सर्कल कर लिया। अब हम इसको सर्कल कर लिया एंड अब इसी आपको कॉलम में, इसी कॉलम में हमको डिस्प्लेस करना है, ठीक है। इसको सर्कल किए, डैट मीन्स पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है हम सर्कल कर लिए, देन इस कॉलम में मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है वैल्यू। ये जो सेल वैल्यू है 419, ये सेल वैल्यू है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है, तो देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू वन है, तो यानी हम इसमें डिस्प्लेस करेंगे। तो लीजिए हम इसमें डिस्प्लेस कितना करेंगे, देखिए सप्लाई 50 है, हाँ, और डिमांड इसके सेल के अक्रॉस 10 है, तो जो मिनिमम होता है हम उसको डिस्प्लेस करते हैं सप्लाई डिमांड में। तो सप्लाई डिमांड में मिनिमम मेरे पास 10 है, ठीक है, तो हम 10 डिस्प्लेस करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जीरो हो जाएगा, 10 डिस्प्लेस किया, 10 रिड्यूस हो जाएगा, 10 माइनस 10 जीरो, एंड ये 50 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। देन आप क्या करेंगे कि ये तो मेरा जीरो हो गया, ये वाला, ये मेरा जीरो हो गया, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये मेरा जीरो हो गया, डैट मीन्स कि ये मेरा कॉलम अब हट गया, ठीक है, ये कॉलम को हम हटा दिए क्योंकि ये मेरा जीरो हो गया, यहाँ पे डिमांड मेरा जीरो हो गया, इसका मतलब ये अब रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको अब हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जीरो हो चुका है। तो अब सेकेंड स्टेप में भरेंगे, सेम प्रोसेस हम सेकेंड स्टेप में अप्लाई करेंगे, तो फिर हम ऐसे कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब फिर से हम देखेंगे कि अब हमारे पास ये नहीं है, अब न्यू मैट्रिक्स मेरे पास ये रहा, 1 2 1 3 3 2 4 2 5, तो हम यहाँ पे देखेंगे इतना, सबसे स्मॉलेस्ट वन हुआ, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट टू हुआ, तो वन और टू के बीच का डिफरेंस क्या है, वन है। देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वन है, सेकेंड स्मॉलेस्ट हम वन नहीं लेंगे क्योंकि हम ले चुके हैं, तो टू लेंगे, ठीक है। तो वन और टू का बीच का डिफरेंस वन, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट थ्री, सॉरी टू, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट थ्री, दोनों के बीच का डिफरेंस वन। यहाँ पे फोर, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, यहाँ पे टू, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट फोर, दोनों के बीच का डिफरेंस टू, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम में भी करते हैं हम, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वन, सेकेंड स्मॉलेस्ट थ्री, दोनों के बीच का डिफरेंस टू। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट टू, देन टू नहीं लेंगे क्योंकि ले चुके हैं, सेकेंड स्मॉलेस्ट थ्री, दोनों के बीच का डिफरेंस वन। यहाँ पे सिमिलरली सबसे स्मॉलेस्ट वन, सेकेंड स्मॉलेस्ट टू है मेरे पास, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे पास कितना होगा, वन, टू और वन, ठीक है। बट ये रो तो हट गया है, ये कॉलम तो हम हटा चुके हैं, इसलिए ये कॉलम नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉलम जीरो हो चुका है, ये कॉलम को हमको कुछ करना ही नहीं है, तो एलोकेट हम कर नहीं सकते क्योंकि पूरा जीरो हो चुका है। तो देन आप देखिए कि सबसे इसमें आपको मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो मैक्सिमम डिफरेंस आप देख सकती हैं कि एक यहाँ पे है टू एंड एक यहाँ पे है टू, तो आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकती हैं, जब सेम डिफरेंस आ जाए, आपको मैक्सिमम डिफरेंस देखना है, जब दो जगह कर करे तो आप किसी को भी ले लीजिए, इसको लीजिए या इसको लीजिए, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेंगे, तो फिर अब हम इस कॉलम में देखेंगे कि मिनिमम सेल वैल्यू कहाँ है, तो मिनिमम सेल वैल्यू मेरा ये है वन, क्योंकि वन थ्री फोर में सबसे मिनिमम क्या है, वन। तो वन में हम डिस्प्लेस करेंगे, कितना डिस्प्लेस करेंगे, तो देखेंगे सप्लाई कितना है इसके करस्पॉन्डिंग, 30,
एंड डिमांड कितना है 20, 30 और 20 में मिनिमम क्या है, तो हम देखेंगे कि 20 मिनिमम है मेरे पास, इसलिए हम 20 को डिस्प्लेस करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 20 इसमें माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, एंड यहाँ ये मेरा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा हम ये मेरा जो कॉलम है ये 0 हो गया, तो मतलब ये कॉलम को फिर हम हटा देंगे, हटा दिए, क्योंकि ये कॉलम को फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अब इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी अब 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम फिर थर्ड में बढ़ेंगे, तीसरा स्टेप में। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में बढ़ेंगे। ये मेरा देखिए 2 है, ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें मैं सबसे स्मॉलेस्ट, अपने पास 2 1 3 2 4 2 5, ये मेरा मैट्रिक्स बचा है। ठीक है, तो मेरा अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है नंबर मेरे पास 1, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 2, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट 3, तो 1, सबसे स्मॉलेस्ट 2, देन सेकेंड स्मॉलेस्ट 5, तो 2 और 5 में डिफरेंस 3। वैसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो क्योंकि ये कॉलम मेरा हट चुका है, ये मेरा हट चुका है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक है, मतलब बात इसको हमको कंसिडर नहीं करना। अब इसमें आएंगे तो इसमें हम देखेंगे 2, सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट मेरे पास 3 है, 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम ले चुके हैं, तो 3 को लेंगे, तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस 1 है, 1 लिखें, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 हुआ, सेकेंड स्मॉलेस्ट 2 हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो गया। एंड ये रो जी लेना नहीं है, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो 0 है, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे कर दिए। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए, अब इन डिफरेंस में 1 1 3 एंड यहाँ 1 1, इनमें मैक्सिमम क्या है, तो ये 3 मेरा मैक्सिमम है डिफरेंस, तो ये हम 3 लेंगे। ठीक है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो में, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो में मिनिमम वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये 9 और 4 तो हट चुका है, 2 और 5 बचा है, तो 2 और 5 में मिनिमम क्या है, मैं 2 है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेस करेंगे। कितना डिस्प्लेस करेंगे, तो देखेंगे सप्लाई क्या है 2 20, डिमांड क्या है इसका, डिमांड है इसका 40, तो 20 40 में मिनिमम क्या है, 20 मिनिमम है, तो यहाँ पे हम 20 डिस्प्लेस करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0, एंड ये मेरा हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब मेरा ये 0 हो गया आपको, ठीक है, एक मिनट, ये मेरा 0 हो गया, ये वाला रो, ये मेरा डिमांड 0 हो गया, तो ये रो को हम हटा देंगे। ठीक है, अब ये रो को हम नहीं लेंगे, तो अब फिर मेरा न्यू, अब क्या आएगा, अब मेरा न्यू जो रो बनेगा, मैं जो न्यू रो बने, अब मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया 2 1 3 2, क्योंकि और सब तो ये 0 हो गया है, ये 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, जो 0 होगा आप उसको हटाते जाइए, क्योंकि वहाँ मैं एलोकेट नहीं ना कर सकते। तो फिर हम 2 और 1 में डिफरेंस क्या है 1, ठीक है 1 है ये, 3 और 2 में डिफरेंस क्या है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, या दो ही नंबर ही है, तो स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस 1, स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हुआ 2, सेकेंड स्मॉलेस्ट 3, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, ये वाला कंसिडर नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो मैं सप्लाई 0 हो चुका है, तो ये रो को कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली अब इधर आएंगे तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड 0 है इसका, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 0 है, तो नहीं लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि 2 और 3, क्योंकि ये दो तो हमें हट चुका है रो, तो इसीलिए 2 5 को नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब बचा है 2 3 1 2। तो इस रो में, इस कॉलम में हम देखेंगे कि मैं सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 2, सेकेंड स्मॉलेस्ट 3, दो ही नंबर ही बचा है, तो 2 और 3 में डिफरेंस 1, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट 2, तो 1 और 2 में डिफरेंस 1। अब देखिए, अब 1 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है, तो अब आप बोलेंगे कि मेरा सब सेम ही है, तो हम मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, तो इस केस में आप मैक्सिमम, जब सेम हो जाता है ना, जब मैक्सिमम डिफरेंस आपको सेम हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर बस सारा 1 ही है, तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आप किसी को भी सेलेक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा वैल्यू क्या क्या है, सेल वैल्यू 2 है 3 है, मिनिमम कौन है 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेस हम कितना करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेस हम कर देंगे, देखेंगे कि सप्लाई डिमांड, तो यहाँ पे मेरा 20 है और ये मेरा 10 है। ठीक है, ये मेरा 20 हुआ, एंड सुनिए एक काम कीजिए, आपके क्वेश्चन में क्या किया गया है ना, आपके क्वेश्चन में सर शायद इसको डिस्प्लेस किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी देखिए, जब सेम आ जाता है तो आप किसी को भी डिस्प्लेस कीजिए, किसी को भी सर्कल कर लीजिए, क्योंकि सब 1 ही है, यहाँ पे मैक्सिमम कुछ नहीं है, सब सेम लेवल पे हैं, तो आप किसी को भी करेंगे आंसर सेम आएगा, बट आपके सर लिए हैं इसको, इसको वो कंसिडर किए हैं, ठीक है, वो इसको कंसिडर नहीं किए हैं, तो चलिए हम उसी को कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, तो इसको कंसिडर करेंगे, तो ये पहले हटा दीजिए, तो ये रो में देखिए, ये तो 3 नहीं है, 1 भी नहीं है, क्योंकि कट चुका है ये रो, ये कॉलम कट चुका है, 3 2 में मिनिमम क्या है 2 है, 2 में एलोकेट करते हैं, क्योंकि 2 मिनिमम है इस सेल में, 3 और 2 में, तो 2 में हम एलोकेट कितना करेंगे, तो देखिए सप्लाई है मेरे पास 40, डिमांड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 30, तो सॉरी सॉरी यहाँ पे, हाँ हाँ आप एक काम कीजिए, आप किसी को भी ले सकती हैं, ठीक ना, आप इसको ही लीजिए 20 30, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले सकती हैं, तो आप देखिए यहाँ 20 है,
ये आपको 30 है, ठीक है, 20, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। तो दोनों में मिनिमम क्या है, ये आपके सर नहीं लिए, सर कुछ और लिए हैं, तो किसी को भी लीजिए आंसर सेम आएगा। 40 और 30 लेंगे तो 40 और 30 में मिनिमम क्या है, 30 मिनिमम है, तो हमें 30 एलोकेट करते हैं। तो ये मेरा 30 माइनस कीजिए 10 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो देन अब मेरे पास ये 0 हो गया, तो ये भी कॉलम नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास एक ही बचा है मैट्रिक्स, वो क्या बचा है, ये मैट्रिक्स बचा है, ठीक है। इसका है 2, इसका है 3, ठीक है। तो देखिए ये जब सिंगल जब बच जाता है ना लास्ट में, चाहे वो रो बचे या सिंगल कॉलम बचे, तो उसका सारा सेल एलोकेट होगा। कैसे एलोकेट होगा, देखिए यहाँ पे 2 3 जो भी आप मिनिमम देखिए, 2 3 में कोई भी देखिए, 2 देखते हैं मिनिमम, तो 2 के पास कितना सप्लाई 10 है, डिमांड 20 है, ठीक है। तो सप्लाई 10 है, डिमांड 20 है, मिनिमम क्या है, सप्लाई 10, तो 10 हम एलोकेट कर देते हैं यहाँ पे, 10 एलोकेट करते हैं। तो ये मेरा 0 हो जाएगा एंड ये मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है, डिमांड 10 माइनस कर देंगे। तो देन मेरे पास अब 3 बचा अकेला, तो देखिए 3 के पास सप्लाई भी 10 है, डिमांड भी 10 है, दोनों ही 10 है, तो हम 10 यहाँ एलोकेट कर देंगे। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड फाइनली आपको सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। तो डेट मीन्स हमको फाइनली एलोकेटेड सेल कौन कौन सा मिला, ये, ठीक है। तो फाइनली आपका एलोकेटेड सेल वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है किसको सेलेक्ट करेंगे, इन केस अभी आपका सेम हो जाता है, मैक्सिमम डिफरेंस सेम हो जाता है तो। बट फाइनल आंसर हम लोग देखते हैं कि हमारा सब 0 होना चाहिए। यदि 0 सब नहीं हो रहा है तो डैट मीन्स कि आपका आंसर कहीं आप गलती कर रही हैं, ठीक है। तो यही है आपका आंसर।